दो संख्याओं का मसप मतलब होता है एचसीएफ दे रखा है और ये इसका एलसीएम भी दे रखा है। इसमें से एक नंबर दे रखा है, सेकंड नंबर ज्ञात करना है। उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहां पर आपको वैल्यू पुट करना था। जैसे एचसी फर्स्ट नंबर तो हमारा दे रखा है 54, सेकेंड नंबर गायब है, सेकेंड नंबर में फाइंड करना है। एचसीएफ दे रखा है 27 और एलसीएम है अभी आपके 162। ये इधर आएगा, डिवाइड में जाएगा। तो अगर आपको सेकंड नंबर निकालना है इसमें इसका डिवाइड करना पड़ेगा, 27 इंटू 162 अपॉन 54। यहां काटेंगे, 2 टाइम जाएगा, 2 का डिवाइड जाएगा 81 टाइम। इसका मतलब है आपका ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, मतलब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो हमारे पास जो नंबर है वो ये है और हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर है, मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, माइनस करो तो 2 आता है, तो वो है 42 जा। और यहां पर आपके माइनस का 8 है, ये माइनस का है तो अलग अलग साइन आएगा, पहला वाला माइनस का, बाद वाला प्लस का, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में x कॉमन x माइनस 4, इन दोनों में 2 कॉमन x का x जाएगा इसमें 4 टाइम, x माइनस 4 आ गया भाई आपके कॉमन, पीछे बचा ये नंबर। अब हमें इनको सही करना, देखो माइनस का उधर भेज दो प्लस, प्लस का उधर भेज दो तो माइनस, हमारा आंसर ये है 4 एंड माइनस का 2 हमारा आंसर है, 4 एंड माइनस का 2 होगा आंसर, 4 एंड माइनस का 2, ये रहा भाई 4 एंड माइनस का 2, ऑप्शन सी। जिसके भी ऑप्शन सी करेक्ट है, ऐसे करके आपको सॉल्व करना था। पहली संख्या का दोगुना, x का दोगुना मतलब 2x, सेकंड का 7 गुना, 5 कम है, कम मतलब कम कर देना, ये बोला हुआ है। ट्वाइस द सेकंड नंबर x, ट्वाइस द x और 7 टाइम ऑफ सेकंड नंबर एंड 5 लेस देन, यहां देखो इक्वल लिखा हुआ, इज लिखा हुआ, इज मतलब इक्वल आएगा, यहां पर इक्वल आएगा। इसका ऑप्शन कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बनानी थी, ऐसे हमने इक्वेशन बना दी। हमारे पास समांतर श्रेणी है एपी, एपी का फर्स्ट टर्म भी दे रखा है, ए दे रखा है और डी दे रखा है, हमें फाइंड करना है, एन वापस ज्ञात करना है। फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा भाई, आप ए एन माइनस वन ब्रैकेट डी, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग आया है। अब ए एन कितना है भाई आपके, ए एन तो हमें फाइंड करना है, ए कितना है 2 है, एन हमें पता नहीं कितना है और डी हमें दे रखा है 3। सॉल्व करेंगे 2 का 2, इसको मल्टीप्लाई करो 3n-3। अगर आपको ए एन फाइंड करना है तो देखो, अगर यहां माइनस करेंगे ना 3n का 3n, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1, मतलब ऑप्शन बी होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। 3 के प्रथम 5 गुणज, सम ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 3 जो होता है 3, 6, 9, 12 एंड 15, इनका टोटल बताना, सिंपल सा है भाई, ये 9 हो रहा है, ये 9 हो रहा है और ये हो रहा है 27, सबको ऐड कर लो तो होता है आपके 45 आएगा इसका आंसर। सबको ऐड करना है, सिंपल सा है, 45 होगा इसका आंसर। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये रहा भाई पी क्यू आर, ये बोला है कि पी क्यू और क्यू आर, देखो एक फॉर्मूला है आपके, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये आपका एच है, ये आपका कर्ण है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, तो यहां पर आएगा 90 डिग्री, क्यू होगा 90 डिग्री, क्यू क्या हो जाएगा भाई आपके 90 डिग्री हो जाएगा, क्यू ऑप्शन होगा करेक्ट। यहां पर आएगा भाई हाइपोटेन्यूस और हाइपोटेन्यूस सामने क्यू हो जाएगा। हमें इसका मान बताना था, ये क्वेश्चन मेरे पेपर में भी था, 2 का 2, इसका मतलब होता है 1/√2, इसका मतलब ही होता है 1/√2,
ये सब कट जाएगा भाई और डिवाइड जाएगा एक बार वन टाइम, क्योंकि रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो टू आता है, टू टू कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई आपके वन आ जाएगा, वन ऑप्शन डी होगा एकदम करेक्ट आंसर। पेड़ की छाया और ऊंचाई इनका रेशियो दे रखा है, देखो ध्यान देना भी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, पहले दे रखा है शेडो हाइट, शेडो ये वाला, ये वन है और ये रूट थ्री है, तो यहां पर आपके जो एंगल आने वाला है वो होगा 60 डिग्री, यहां पर छाया पहले है और ऊंचाई बाद में दे रखा है, छाया और ऊंचाई का रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, छाया यहां पर है ऊंचाई ये होता है, तो यहां पर ये दे रखा है रेशियो हमारे पास, अगर आप ये फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा आपके टेन थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये वैल्यू होता है टेन सिक्सटी का वैल्यू होता है, इसका मतलब है ऑप्शन बी होगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। किसी वृत्त का व्यास, एक सर्कल है और ये है उसका व्यास, डायमीटर बोलते हैं इसको, इस पर हमें जब भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट क्या होगी भी आपके समांतर होगी, पैरेलल होगी, तो अगर ये व्यास है ये डायमीटर है, अगर आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, अगर आप स्पर्श रेखाएं बनाते हो तो वो हमेशा क्या होती है समांतर होती है पैरेलल होती है, ये क्वेश्चन भी मेरे पेपर में था, सर्कल की परिधि दे रखी है, सर्कमफेरेंस दे रखा है और हमें रेडियस फाइंड करनी है, इसका मतलब होता है आपके 2πr, ये दे रखा है आपके 176, 2 का 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर हमें पता नहीं फाइंड करनी है, उधर भेजेंगे उल्टा हो जाएगा, आर का वैल्यू होगा 176 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, जो कटे वो काट दो, तो देखो इसमें इसका डिवाइड जाता है 8 टाइम, इसमें इसका डिवाइड जाता है 4 टाइम, 7 4 जा होता है 28, मतलब ऑप्शन सी आएगा भाई, 7 4 जा होता है आपके 28 सेंटीमीटर होता है, तो ये आएगा 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। एक गोले का आयतन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, वॉल्यूम स्फीयर मतलब होता है 4/3 पाई आर क्यूब दे रखा है और वो है आपके 36 पाई दे रखा है, तो बताना है कि रेडियस क्या होगी, ध्यान देना सिंपल सा है, हमें क्या करना है जो कटे वो काट दो, पाई से पाई गया ये उधर जाएगा उल्टा हो जाएगा, आर क्यूब इक्वल हो जाएगा 36, 3 जाएगा ऊपर और 4 आएगा नीचे, ये काटेंगे जाएगा आपके 9 टाइम, 9 का मतलब होता है 3 × 3 और यहां पर भी 3 है, इधर आर एक बार लेंगे तो इधर 3 एक बार लेंगे, क्योंकि इधर आर 3 टाइम है इधर ये 3 टाइम है, तो आर का वैल्यू हो जाएगा आपके 3 आएगा, 3 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन ए होगा एकदम करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। प्रथम 11 पूर्ण संख्या, फर्स्ट 11 होल नंबर, इसमें आएगा भाई आपके जीरो शुरू करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 10 तक ही आता है भाई, 10 नंबर ये हो गए और एक जीरो हो गया, हमें निकालना है इसका एवरेज निकालना है, सिंपल है, एवरेज मतलब होता है मिडिल नंबर, देखो ध्यान देना भाई, एवरेज निकालना है तो इधर से 5 नंबर गए, इधर से 5 नंबर गए ये नंबर, या फिर ऐसा भी कर सकते हो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या आने वाला है 5 आने वाला है, सबको ऐड करोगे तो 55 आता है, 11 नंबर है डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी होगा एकदम करेक्ट आंसर। हमारे पास नंबर दे रखे हमें बताना है बहुलक बताना है, मतलब हमें मोड बताना है, मोड क्या होगा भाई आपके 3 आया है आपके 4, 5 टाइम आ गया, इसका मतलब है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ये जो है ना वो आपके 5 टाइम आया, 5 टाइम आ गया, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। पी ई दे रखा है, नॉट ई फाइंड करना है, पी ई प्लस पी नॉट ई दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है, हमें केवल 1 में से माइनस करना होता है 0.5, जब आप माइनस करोगे तो ये आएगा 95,
0.95, ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे पास समांतर सेट दे रखी है, एपी दे रखी है और हमें फाइंड करना है 11th टर्म फाइंड करना है। अब 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपके, ए प्लस 10d, ए मतलब सबसे आगे वाला नंबर, 10 का 10। अब डी हमें इन दोनों को आपस में माइनस करना है, तो माइनस करने पर देखो ऐसा आता है आपके माइनस का हाफ में से माइनस करना है माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये है आपका माइनस। सॉल्व करने पर आता है आपके 5/2 आता है। अब वो 5/2 हम यहां पर लिख देंगे, इसका डिवाइड यहां जाता है 5 टाइम, तो ये है माइनस का 3 और ये है आपके 5/5 = 25। तो जैसे ही माइनस करते हैं तो आता है 22 आता है, मतलब ये क्वेश्चन आएगा आंसर आएगा आपके 22 आएगा। कितना आएगा भाई आपके 22 होगा आंसर। हमारे पास ये नंबर दे रखे हैं, हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसका मतलब होता है 1/2 और इसका मतलब होता है √3/2। स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, स्क्वायर गया तो रूट गया और 2 का स्क्वायर होता है आपके 4। 4 आने वाला है आपके एलसीएम, ये दोनों सेम तो ऊपर वाला भी सेम, माइनस करो तो ये आता है आपके 2/4 आता, डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा आपके 1/2 टाइम जाएगा, तो ये आएगा हमारा आंसर। हमारे पास वर्थ का क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है और हमें क्या करना है, रेडियस ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास जो दे रखा है उसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर, वो दे रखा है 154 दे रखा है, हमें रेडियस फाइंड करनी है। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर मुझे फाइंड करनी है = 154। उधर जाएगा उल्टा हो जाएगा, आर स्क्वायर इजिकल टू होगा 154 इंटू 7 अपॉन 22, ये उधर जाएगा उल्टा हो जाएगा, जो कटे वो काट लो, इसका डिवाइड यहां जाता है 7 टाइम, इधर आके 7 2 टाइम है, इधर आर 2 टाइम है, उधर 7 2 टाइम हो गया ये और ये। अगर इधर से एक आर लिया तो इधर से एक 7 लो, आर का वैल्यू होने वाला है आपके 7 सेंटीमीटर। हमारे पास शंकु है, शंकु मतलब होता है कोण, कोण की रेडियस दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, हाइट भी दे रखी है, हमें ज्ञात करना है स्लेंथ हाइट ज्ञात करना है, हमें फाइंड करना है तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये रहा भी आपका कोण, कोण का जो रेडियस है वो दे रखा है आपके 6 और जो हाइट है वो दे रखा है 8 और हमें ये वाला क्या करना है, फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। स्लेंथ हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला है h² + r², ये भी मैंने मेरे पेपर में था ये वाला क्वेश्चन भी। h आपके दे रखा है 8² + 6² 8 का होता है 64 और 6 का होता है 36, रूट निकालेंगे तो होता है 100 और 100 का रूट होता है आपके 10। हमें बताना है कि ये जो फॉर्मूला है 3 median = 2 mean + z होता है, तो यहां पर क्या आने वाला है, बहुलक आने वाला है, हमें यहां पर लिखना है बहुलक और यहां आप लिख देना मोड या फिर आप z भी लिख सकते हो, ये फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए। हमें बताना है क्लास मार्क बताना है, वर्ग चिन्ह बताना है, वर्ग चिन्ह मतलब होता है दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, दोनों को जोड़कर आधा करना है जो होता है 135 का हाफ कर दो, तो ये आएगा आपके 67.5 आने वाला। अगला है एक पासा फेंकेंगे तो 6 से बड़ा नंबर होता ही नहीं, 6 से बड़ा नंबर होता ही नहीं, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ये असंभव घटना है जिसकी प्रायिकता होती है 0। इसका आंसर क्या आने वाला है आपके, 0 आने वाला है। हमारे पास दो नंबर है, हमें इनका फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, लेसा पर याद करना है। हमारे पास एक नंबर है उसको लिखा हुआ ऐसे,
और हमारे पास दूसरा नंबर है वो लिखा हुआ है ऐसे, हमें बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसमें टू भी आएगा और इसमें थ्री भी आएगा, जिसकी पावर ज्यादा है वो लेना है। इसकी पावर ज्यादा है थ्री और इसकी ज्यादा है आपके टू है, इसमें थ्री ज्यादा है इसमें टू ज्यादा है। ये तो होता है आपके एट और ये होता है आपके नाइन, और एट नाइन का होता है आपके 72 होगा इसका आंसर। हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, इसके जीरोस ज्ञात करने हैं, बिल्कुल सिंपल है, देखो ध्यान देने ऐसे करना है आपको। ये जो नंबर दिया हुआ है ये हो गया आपके थ्री का मतलब होता है रूट थ्री का स्क्वायर, थ्री का रूट निकालेंगे तो रूट थ्री ही रहता है। अब दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो दोनों को हम लिखने वाले हैं एक बार लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखने वाले हैं हम माइनस में, दो भाग कर देंगे इसके। प्लस का है उधर गया तो हो गया माइनस में, और जो माइनस का है वो उधर गया तो हो गया आपके प्लस में। ये तो आपके पहले ही क्वेश्चन है 2.2 का, पहले क्वेश्चन के अंदर ही है ये वाला क्वेश्चन, तो सिंपल ही है। इसमें हमारे पास समीकरण दे रखा है, इनको हल करना है। हमारे पास पहला समीकरण दे रखा है x प्लस वाई बराबर ये, और ये है x माइनस वाई बराबर ये। हल करेंगे इसको, सिंपल सा है, ये और ये कट जाएगा और ये हो जाएगा आपके 2x और ये हो जाएगा आपके 18। दोनों को ऐड कर लेना, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो ये आएगा 18 अपॉन 2, डिवाइड करते ही आएगा आपके 9। अब ये वाला वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं, इसके अंदर रख दो यहां पर, देखो x का x, x का वैल्यू कितना आया 9 है, x का वैल्यू 9 है, यहां लिखना है 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये प्लस का उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 14 माइनस 9, तो y का वैल्यू हो जाएगा आपके 5। ये है y का वैल्यू और ये है आपके x का वैल्यू, दोनों ही वैल्यू आ गए। हमें बताना है कि यहां लिखा हुआ ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाली और ये लाइन। देखो जब लाइन पैरेलल होती है तो जो रेशो इधर है वो इधर होता है, अगर ये इसका डबल है तो यहां पर भी इसका डबल आएगा। अब हमें ऐसा लिखना है, क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी, जब भी ऐसा हो तो जो रेशो इधर है, जो रेशो आपका एडी अपॉन डीबी में है, वही रेशो आपके एई अपॉन ईसी में होगा, क्योंकि ये थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो ध्यान देना, एडी देर का है 1.5, ये देर का है 3, ये 1 है, तो ये हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से करो काट दो, कटिंग कर दो, ये इसका डबल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसी का वैल्यू हो जाएगा 2, ये आएगा आंसर। हमें इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है। अगर आपको दूरी ज्ञात करनी है, डिस्टेंस ज्ञात करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। आगे वाले में आगे वाला घटाना है, माइनस के ए में से जाएगा माइनस का ए, फिर आएगा यहां पर आपके होल स्क्वायर, फिर यहां से ये घटाना है, ए में से घटाएंगे माइनस का ए, उसका कर देंगे हम यहां पर होल स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, ये आपके माइनस का है और ये आपके प्लस का है, इधर ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पर भी प्लस हो गया और यहां पर भी प्लस हो गया, इधर तो कोई मतलब नहीं है, जीरो है, और इधर हो जाएगा आपके कितना, वन ए हो गया है 2a। इसको ऐसे लिख दो आप, स्क्वायर गए तो रूट गया, तो ये आने वाला है आपके 2a, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, और ये 2a हो जाएगा इसका आंसर।
उर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। परछाई और ऊंचाई मतलब हाइट और शेडो, हाइट और शेडो दोनों क्या है भाई आपके इक्वल है। हाइट और शेडो दोनों क्या है भाई आपके इक्वल है, ये और ये आपके इक्वल है। तो बताना है कि यहां पर कितना डिग्री एंगल आएगा। मान लो ये ट्राइंगल है आपका एबीसी, तो हमें यहां पर लेना पड़ेगा टेन थीटा। टेन क्यों लिया, क्योंकि ये और ये गिवन है और दोनों इक्वल है ए बी अपॉन बी सी, और वो तार इक्वल जितना ये है उतना ही ये है, दोनों ही क्या है भाई आपके इक्वल है। और यहां पर है आपके टेन थीटा और यहां पर है आपका वन, और वन का मतलब होता है टेन 45 डिग्री। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ये वाला इक्वल है तो थीटा हो गया है भाई आपके 45 डिग्री। अब बताया हुआ है कि जब भी ये और ये इक्वल हो तो हमेशा 45 डिग्री ही आता है। यदि एक मीनार के पाद से 100 मीटर दूर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर से, तो देखो ध्यान देना भाई, ये है भाई आपका टावर, टावर से 100 मीटर दूर एक पॉइंट है, वहां से एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, कितना बन रहा है 60 बन रहा है। तो बताना है कि हाइट ऑफ टावर क्या होगी, ये और ये आता है आपके 10 थीटा में, 10 कितना डिग्री, ये दे रहा है 60। 10 क्यों आया, ये साइड अपॉन ये साइड h अपॉन 100, टेन 60 का वैल्यू होता है रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h का वैल्यू होता है 100√3। तो यहां पर जितना होगा वो 100√3 आपके आने वाला है। इसको चाहो तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो, रूट 3 का मतलब होता है 1.732। सॉल्व करेंगे तो ये वाला आएगा, आपके दोनों ही आंसर राइट है। आप ये लिखोगे तो भी चलेगा और ये लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों में से कोई एक आपको लिखना है, ये भी राइट है वो भी राइट है। एक वर्ष की त्रिज्या रेडियस दे रखी है, थीटा दे रखा है, हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई ज्ञात करना है, लेंथ ऑफ आर्क ज्ञात करना है। अगर ये ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, पाई का मतलब 22/7, आर दे रखा है 7, एंगल दे रखा है आपके 60 अपॉन 180 डिग्री, जो कटे वो काट दो, 7 से 7 गया, यहां पर डिवाइड जाएगा 3 टाइम और ये आएगा 22/3 सेंटीमीटर। हमारे पास गन का संपूर्ण क्षेत्रफल दे रखा है, टीएसए ऑफ क्यूब दे रखा है, और टीएसए ऑफ क्यूब का मतलब होता है 6a2। ये भी मेरे पेपर में था ये क्वेश्चन, डिजिट भी सेम थे। हमें बताना है कि क्यूब का साइड क्या होगा, तो देखो मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और ए स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1014 अपॉन 6, पहले जाएगा एक बार फिर बच गया आपके 4, अब जाएगा 6 बार फिर जाएगा 9 बार, स्क्वायर हट गया स्क्वायर रूट लग गया और ये आने वाला है भाई आपके 13 सेंटीमीटर। 7 सेमी त्रिज्या है और हमें सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर ज्ञात करना है, गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें फाइंड करना है ये वाला सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 4πr², बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाई का वैल्यू 22/7 और आर दे रखा है 7×7, जो कटे वो काट दो, 7 से 7 गया, ये होता है आपके 22 और ये होता है आपके 28, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी मेरे पेपर में था, सेम डिटो क्वेश्चन आया है, हमें प्रूव करना है कि इरेशनल है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा लेट रूट 5 इज रेशनल, हमें मानना है कि ये एक परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको a बटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। अब हमें करना है बोथ साइड स्क्वायर करना है,
स्क्वायर करो, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, देखो ध्यान देना, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करना, इसमें हो जाएगा फाइव, यहां आएगा बी स्क्वायर और यहां हो जाएगा आपके ए स्क्वायर। हमें यहां पर लिखना है, ये इधर डिवाइड में जाता है, हमें लिखना है ए स्क्वायर डिविजेबल बाई फाइव, इसका मतलब है ए ऑल्सो डिविजेबल बाई फाइव। ए स्क्वायर में फाइव का डिवाइड जाता है तो ए में भी फाइव का डिवाइड जाएगा। अब जाएगा तो ये आएगा ए इज इक्वल टू फाइव सी, इसका मतलब होता है ए का डिवाइड फाइव में जाता है। अब ये वाला वैल्यू हम यहां पर पुट करने वाले हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा फाइव बी स्क्वायर। अब यहां ए का मतलब वो है फाइव सी, ये तो क्वेश्चन क्या रटने वाला है, फिक्स जैसा लिखा वैसा लिखना है आपको, बुक में लिखा हुआ है सेम कॉपी करना है आपको। फाइव बी स्क्वायर इक्वल टू होता है फाइव सी इंटू फाइव सी, फाइव से फाइव हो गया कैंसिल, भी आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू फाइव सी स्क्वायर। फाइव पहले इधर था तो यहां डिवाइड जा रहा था, अब फाइव इधर है तो इधर डिवाइड जाएगा, हमें लिखना है बी स्क्वायर डिविजेबल बाई फाइव, इसका मतलब है बी ऑल्सो डिविजेबल बाई फाइव। इसके नीचे हमें कुछ लाइनें लिखनी है, फाइव में ए का भी डिवाइड जा रहा है बी में भी डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब ये इसका कॉमन फैक्टर हो गया, बट दिस कॉन्टेंट इज द फैक्ट दैट वन के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों हुआ, हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन, हमने गलती से इसको रेशनल मान लिया था, इसके कारण हो गया। सो द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरेशनल, ऐसा कुछ लाइनें लिखनी है आपको तीन चार, वो लाइनें लिखोगे तो हमें आंसर का पूरा नंबर मिल जाए। हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने, इसके जीरोस ज्ञात करने, हमारे जो नंबर है वो ये है। ऐसा कौन सा नंबर है, मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है, 6 टू 12, माइनस करो तो 1 आता है, वो है आपके 4 थ्री जा। ये क्वेश्चन भी मैंने जब मॉडल पे बनाया था उसमें था ये क्वेश्चन। अब यहां माइनस है तो बड़ा वाला माइनस का छोटा वाला प्लस का, अब ये है आपके 2x2, क्योंकि यहां माइनस है ना, बड़ा प्लस का आ जाएगा, कॉमन ले लो, इन दोनों में 2x कॉमन है, इधर आपके x बच जाएगा, उधर जाएगा आपके 2 टाइम, इन दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, x का x, इसमें इसका डिवाइड जाएगा आपके 2 टाइम जाएगा, x माइनस 2 आएगा भाई आपके कॉमन, पीछे बच गया ये नंबर 2x प्लस का 3, दो भाग कर देंगे इसका, पहला ये वाला माइनस का उधर भेज दो तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का उधर भेज दो तो माइनस में हो जाएगा, और मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा माइनस का 3 अपॉन 2, ये होगा इसका आंसर। दो संख्या जिनका अंतर दे रखा है और पहली संख्या दूसरे से तीन गुनी है, तो बताना है कि वो संख्या है कौन सी है। तो सिंपल देखो, ध्यान देना भाई, दो संख्याओं का अंतर, मान लो कि पहली संख्या, लेट पहला नंबर हमने मान लिया है x, और जो दूसरा नंबर है वो हमने मान लिया है y, ये कह रहा है कि दोनों का जो अंतर है वो 26 का है। फिर और क्या बोला है, एक संख्या दूसरे की तिगुनी है, एक संख्या दूसरे की तिगुनी है, ऐसे। अब इन दोनों को हम यहां सॉल्व करते हैं, देखो दोनों का अंतर 26 का है और ये प्लस का है, अंतर किस में हो जाएगा आपके माइनस में हो जाएगा, बराबर 0, इसको इधर भेज दिया हमने, इसको सॉल्व करेंगे हम, माइनस प्लस माइनस ये कट गया और 3 में से 1 गया तो बच गया 2y और ये है आपके 26। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और y का वैल्यू आएगा 26/2, सो y का वैल्यू होने वाला है आपके 13, और ये वाला वैल्यू हम यहां रख देंगे, x का वैल्यू भी आ जाएगा, y का वैल्यू कितना है आपके 13 है, x का वैल्यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना होता है 39। देखो अगर हम देखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, इसके अंदर देखो यहां पर ये दो लाइन पैरेलल है,
ये और ये लाइन क्या है भाई, पैरेलल। जो रेशो इधर है वो रेशो उधर है। मैं यहां पर लिखूंगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू होगा AE अपॉन EC। ये थ्योरम है 6.1, या फिर BPT थ्योरम भी कहते हैं, या फिर इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, AD दे रखा है x और ये दे रखा है x माइनस टू, फिर ये x प्लस टू और फिर दे रखा आपके x माइनस वन। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। यहां पर आने वाला है ये नंबर, इधर आने वाला है ये नंबर, ऐसे जो कटे वो काट दो। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आता है एक्स, यहां मल्टीप्लाई करेंगे यहां भी मल्टीप्लाई करना है। अब यहां देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ए माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट गया, ये माइनस का x है और वो माइनस का 4 है, माइनस माइनस कैंसिल, सो x का वैल्यू आने वाला है 4। x का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी 5 है, तो बताओ कि x का मान क्या होगा। देखो ध्यान देना भाई, हमारे पास दो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, और मैंने आपको पहले ही बताया था जिसके बीच में एंड का प्रयोग होता है और का प्रयोग होता है उसको एक इधर लिखना है एक इधर लिखना है। इनके बीच का डिस्टेंस 5 है, तो बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो देखो डिस्टेंस फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर एंड प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये आपके 5 है और ये हो जाएगा आपके x। देखो पहले में से पहले वाला माइनस करना है और सेकंड वाले में सेकंड वाला माइनस करना है, सिंपल सा है। देखो ध्यान लगाना भाई, ये हट गया तो इधर स्क्वायर लग गया, ये आएगा आपके 25 और ये होगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर और ये आएगा आपके 4 का स्क्वायर आ जाएगा। वैसे देखो ये 5, देखो ध्यान देना हमेशा 3, 4, 5 का जोड़ा होता है, अगर इधर 5 है इधर 4 है तो ये 3 आएगा। अब ये 3 है मतलब 3 कैसे बनेगा, 8 में से घटाने पर, इसका मतलब x का मान 8 होना चाहिए, प्लस का 8 या फिर माइनस का 8 बताते हैं। देखो क्या करते हैं, देखो ये तो ये नंबर हो गया, अब यहां पर हमें लगाना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू हो गया आपके 4 का स्क्वायर। अब ध्यान देना इधर ये भी 25 है और ये भी 25 है, 5 का स्क्वायर 25, ये भी 25, ये भी 25 कट गया, ये आएगा आपके 0, ये आएगा आपके एक्स स्क्वायर माइनस का 5 टू जा 10x एंड ये हो गया भाई आपके 16 हो गया, 16, 10x, x ये वजह, बाकी 5, 5 से कट गया है। अब वहां पर ऐसा नंबर बताना है मल्टीप्लाई करो 16 आता है और ऐड करो तो 10 आता है, तो वो है आपके 82 जा। यहां पर प्लस है इसका मतलब सेम साइन आएगा, अब यहां पर माइनस मतलब हो गया दोनों ही माइनस के और ये आपका x स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x तो ये हो जाएगा आपके x माइनस 8, इन दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा दिया आएगा आपके x माइनस 8, x माइनस 8 आ गया भाई आपके कॉमन, पीछे बचा ये नंबर x माइनस 2। दो भाग कर देंगे, पहले ये वाला माइनस का उधर भेज दो प्लस में, माइनस का उधर भेज दो प्लस में, तो हमारा आंसर 8 भी राइट है और हमारा आंसर 2 भी राइट है, दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि यहां पर 8 रखोगे तो 8 में से 5 जाए कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 2 रखोगे तो ये 2 है और ये 5 है, घटाओ कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये आंसर दोनों ही करेक्ट है, 8 भी करेक्ट है और 2 भी करेक्ट है। हमारे पास वैल्यू दे रखे हैं, टेन ए इज इक्वल टू दे रखा है 1, ये तो आपका टेन ए है और टेन की टेबल 1 कब आता है, टेन की टेबल 1 आता है आपके 10:45 में आता है, ये दोनों आपके सेम है तो ए का मतलब हो गया है भाई आपके 45। ये क्वेश्चन भी मेरे पेपर में था जो मैंने पेपर करवाया था उसमें,
यहां पर लिखा हुआ 2 साइन ए का मतलब होता है 45, ए का मतलब होता है 45 होता है, तो 2 का 2 इसका मतलब होता है 1/√2 और इसका मतलब होता है 1/√2। ये सेम क्वेश्चन अभी था इसी के अंदर, इसी पेपर में स्टार्टिंग में क्वेश्चन था यही वाला सेम। अगर आप देखोगे ये 2 होता है, इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आता है, 2 से 2 कट जाएगा तो हमें मिलने वाला है 1, 1 होगा इसका आंसर। यहां पर लिखा हुआ है दो खंबे हैं, दो पोल है, एक 20 का है और एक 14 का देर का है। हमारे पास दो पोल है, एक 20 का है और एक 14 का देर का है। ये है अभी 20 का जो यहां से लगाकर यहां तक है, और एक देर का है 14 का, और ये है इसका बेस और ये है इसके तार वायर। हमें बताना है कि वायर की लेंथ क्या है, और ये बोला है अगर इनको हॉरिजॉन्टल मिलाते हैं ऐसे, अगर इनको ऐसे मिलाते हैं तो एंगल बनता है 30 डिग्री। अब देखो ये 20 है और वो 14 है, अगर ये 14 तो ये भी 14, यहां तक पूरा 20 देर का है, 20 में से 14 गया तो कितना आएगा आपके 6 आएगा। अब हमें बताना है कि यहां पर x का वैल्यू क्या होगा। जब भी हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस देर का है तो हमें लेना पड़ेगा साइन, साइन कितना डिग्री 30 डिग्री। साइन का मतलब है ये लाइन अपॉन ये लाइन, 6 अपॉन x। साइन 30 का मतलब होता है 1/2, 6 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x का वैल्यू आने वाला है आपके 12 मीटर, ये आएगा इसका आंसर। दो सकेंद्रीय वृत्त है, कोसेंट्रिक सर्कल है, जिसका सेंटर एक है और सर्कल कितने हैं दो दो, ये रहा और ये रहा, और एक ऐसी लाइन कॉर्ड तो इसको टच कर रही है, इसकी रेडियस 3 है, इसकी रेडियस 5 है, तो बताना है कि कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी, ये बताना है कितना होगा। अगर आपको AD फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे करना पड़ेगा, स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये होता है 25, ये होता है 9, तो ये आएगा 16। स्क्वायर हट गया, स्क्वायर रूट लग गया, और कितना आएगा भाई आपके 4 आएगा, तो हम यहां लेते हैं भाई 4, इधर भी 4 इधर भी 4, AB का वैल्यू आने वाला है 4 का डबल, ये 4 AB 4, तो ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायग्राम बनाना है और ऐसे हमें निकालना है, AB कितना आएगा अभी आपके 4 आए। रेडियस 21 ये है एंगल, हमें बताना है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें बताना है एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आना चाहिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये फॉर्मूला है। अब पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर जो देर का है हमारे पास 21 है, यहां पर भी 21 है, और जो एंगल देर का है वो है आपके 60 अपॉन 360। बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, इसमें इसका डिवाइड जाता है 6 टाइम। अब 2 से काट दो, देखो इसका डिवाइड यहां जाता है आपके 3 टाइम, और 3 का डिवाइड यहां जाता है आपके 2 टाइम, और 2 का डिवाइड यहां जाता है आपके 11 टाइम, तो बच गया 11 × 21। ये क्वेश्चन भी मेरे पेपर में था और इसका आंसर आता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। हमारे पास बेलन का आधार का क्षेत्रफल देर का है, बेस का एरिया देखो ऐसा, इसका एरिया दे रखा है ये वाला, और हमें हाइट भी दे रखी है, और हमें फाइंड करना है उसका CSA फाइंड करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। देखो ध्यान देना भाई, हमारे पास दे रखा है बेस का एरिया दे रखा है, मतलब पाई आर स्क्वायर दे रखा है, हमें रेडियस ज्ञात करना, ये भी अभी आया था एरिया दे रखा है रेडियस ज्ञात करना, तो ये भी कॉपी है, आधा क्वेश्चन तो 2 कॉपी है, आधा क्वेश्चन तो अभी पहले करवाया था ना सेम उसी की तरह है। पाई का वैल्यू 22/7,
आर गायब है, आर हमें फाइंड करनी है, ये इधर जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 154 इंटू 7। अब ये नीचे आ जाएगा ऐसे, कटे जो काट दो, इसका डिवाइड में जाता है 7 टाइम। यहां पर आर 2 टाइम है, इधर 7 2 टाइम है, तो आर का वैल्यू हो जाएगा आपके 7। ये सेम इतना सा पहले भी आया हुआ है इसी पेपर में, टू का वापस आ गया, और साथ में यहां पर हाइट भी दे रखी है। हमें फाइंड करना है सीए से, सीए से मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का, 2πRh, ये फॉर्मूला है। 2 का 2, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर हमारे पास दे रखा है 7, ये हमने फाइंड किया ये रहा, और एच दे रखा है आपके 15 दे रखा है। अब जो कटे वो काट दो, 7 से 7 गया, इनको 22 हो गया, 15 का डबल हो गया 30, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसका मीन फाइंड करना है, सिंपल है। आप क्या करो, एफ एक्स कर लो, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 = 40, 6 6 = 36, 12 7 = 84, 8 7 = 56, 9 5 = 45, 10 6 = 60। सॉल्व करते हैं, ये 10, ये 11, 21, 2 बच गया, 6 और 3, 9, 9 और 8, 17, 17 और 5, 22, 22 और 10 होता है 32, और ये होता है 14 और 12, 26, 26 और 12, 26 और 12 होता है 38, 38 और 6 होता है 44, ये होता है। वापस दे रहे एक बार, सब एक बार वापस कंप्लीट से चेक कर लेना भैया, कैलकुलेटर से भी एक बार चेक कर लेते हैं। 40 + 36 + 84 + 56 + 45 + 60, ये हो गया भाई साथ में 8 + 6 + 12, कितना हो गया भाई 8 + 6 + 12 + 7 + 5 + 6, फिक्स कर लेते हैं भाई, क्या है बाद में प्रॉब्लम रहे। मीन फाइंड करना फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, आप चाहो तो एफ आई एक्स आई भी लगा सकते हो, आई आई लगाओ तो आई लगा दो, 321 में डिवाइड लगाना है आपको 44 का, हमें क्या करना है 321 में डिवाइड करना है 44 का, तो ये आने वाला है लगभग 7.3, 7.295 भी आता है, लेकिन इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, ये भी आपका करेक्ट है, वो भी करेक्ट है। हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी बतानी है, हमारे पास डाइस के दे रखे, इसने ये आपके बुक का क्वेश्चन दे रखा, बुक का क्वेश्चन है, हमें बताना है ए आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ए बताओ कुल कितने नंबर है, कुल 6 नंबर है, 6 में से ए कितनी बार आया, ए आपका आया 2 बार, कटिंग कर दो काट दो और ये आ जाएगा आपका एक्स। फिर बोला है डी आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, टोटल नंबर कितने है 6 है, और D कितनी बार है, D ओनली एक बार ही है, तो ये आएगा 1/6, और इसका फॉर्मूला जरूर लिखना, प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जरूर लिखना भाई, इसका आपको ध्यान रखना है। हमें बताना है 10 और 250 के बीच में आने वाले जिसमें 4 का डिवाइड जाता हो, देखो नंबर तो ये है हमारे, इसमें 4 का डिवाइड जाता है, फिर आएगा 244, 240 भी लिख सकते हैं, 244 भी लिख सकते हैं, 248 भी लिख सकते हैं, 252 भी आता है, ये नंबरों में 4 का डिवाइड जाता है, और हमें नंबर कौन सा चाहिए, हमें चाहिए इन दोनों के बीच में आने वाले नंबर, ये वाले नंबर, यहां तक ही आएगा। अगर आप देखेंगे ए का वैल्यू होता है 12, डी का वैल्यू होता है 4, और लास्ट टर्म जो है वो दे रखा है आपके 248। हमें बताना है ऐसे कितने नंबर है, हाउ मेनी नंबर, हमें फाइंड करना पड़ेगा, एन फाइंड करना पड़ेगा, हमें लगाना है ये वाला फॉर्मूला और एन फाइंड कर लो, एन फाइंड करेंगे, देखो ध्यान देना, लास्ट टर्म 248, फर्स्ट टर्म दे रखा है आपके 12, एन करना है फाइंड, और डी दे रखा है आपके 4,
ये प्लस का है इधर भेज दो माइनस हो जाएगा और यहां हो जाएगा एन माइनस वन इंटू फोर। अगर आप दोनों को माइनस करोगे तो आता है 236। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में इजिकल टू होता है एन माइनस वन। अगर इसमें इसका डिवाइड करते हैं तो जाता है 59 टाइम इजिकल टू एन माइनस वन। अब ये माइनस का वन जब ट्रांसफर करेंगे प्लस का हो जाएगा, एन का वैल्यू होगा 59 प्लस वन करेंगे तो एन का वैल्यू आने वाला है 60 होगा आंसर। 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर लेने, देखो ऑड नंबर लेना, ऑड नंबर कहां से कहां तक आएगा, ऑड नंबर होता है ये वाला 1, 3, 5, 7 करते करते कहां तक जाना है 49 तक जाना है। बताओ ए कितना है, ए है भाई आपके कितना 1, डी कितना है, बीच में 2, 2 का गैप है, लास्ट टर्म कितना देर का है 49, एन कितना है, टोटल नंबर 50 है, 50 में से आधे नंबर ऑड है और आधे नंबर इवन है, एन कितना हो गया आपके 25 हो गया। हमें फाइंड करना है एस एन फाइंड करना है, फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एल। अब एन कितना है, आधे नंबर ऑड है आधे नंबर इवन है तो 25 ऑड 25 इवन, फर्स्ट टर्म आपका 1 है और लास्ट टर्म आपका 49 है। घंटे जो काट दो, ये हो गया अभी 25, ये हो गया 2, दोनों को ऐड कर दो होता है 50। इसमें इसका डिवाइड जाता है 25, 25 इंटू 25 करेंगे तो आता है आपके 625। बहुत ही इजी पेपर, इजी क्वेश्चन। हमारे पास चार बिंदु दे रखे हैं और ये समांतर चतुर्भुज के बिंदु है, ये है वर्टिक्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो हम यहां पर बनाते हैं भाई एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये रहा भाई आपके पैरेललोग्राम, ये रहा पैरेललोग्राम, इसके चार पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं। एक तो देर का है 61, एक देर का है आपके 82। ये भी मेरे पेपर के अंदर क्वेश्चन था और मैंने कल करवाया भी था इसको, लाइव क्लास में करवाया भी था इसको P&3। अगर इसका आंसर बहुत जल्दी बताना, फास्ट बताना है तो देखो सिंपल है, अगर इन दोनों का जोड़ 15 है तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 15 होगा, 15 में से वो 8 है तो ये कितना आएगा 7। बिल्कुल इजी तरीका है ये वाला। अब हमें कैसे फाइंड करना है, देखो ध्यान, हमें ऐसे फाइंड करना है, हमें पहले मिलाना है डायगोनल को, ऐसा मिला दिया। अब क्या करना है आपको, यहां पर एक पॉइंट लेना है ई पॉइंट, और हमें ई पॉइंट का एक्स भी लेना है और वाई भी लेना है। देखो वाई के सारे वैल्यू हमारे पास है लेकिन एक्स का एक वैल्यू गायब है, तो हमें एक्स वाले पॉइंट से फाइंड करना है। और ध्यान रखना है ई क्या है, ई है मिड पॉइंट, ई क्या है मिड पॉइंट। और अगर आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मिड पॉइंट फाइंड करने का। अब हम क्या करेंगे, E का X फाइंड करेंगे, एक बार तो फाइंड करेंगे AC से और एक बार फाइंड करेंगे हम BD से। ये X इधर से भी फाइंड करेंगे और ये X इधर से भी फाइंड करेंगे, आएगा XC, एक ही वैल्यू आएगा। पहले हम इधर से लेते हैं 9 और 6, आगे वाले में आगे वाला ऐड करो और हाफ कर दो, आगे वाले में आगे वाला ऐड करो हाफ कर दो, इधर भी ऐसा ही है, आगे वाले में आगे वाला ऐड करके हाफ करेंगे तो एक्स ही आएगा। और 8 प्लस पी में हाफ करना है, जो कटे वो काट दो, इधर भी 2 गया इधर भी 2 गया, ये हो गया 15 और ये हो गया 8 प्लस पी, प्लस का इधर भेज दो माइनस हो जाएगा तो पी का वैल्यू होगा 15 माइनस 8 इजिकल टू हो जाएगा आपके 7। हमारे पास दो पॉइंट दे रखे और रेशो भी दे रखा है। देखो हमारे पास दो पॉइंट है, एक है माइनस का 1 और 7 और एक दे रखा है 4 और -3। इन दोनों को हमें बांटना है किसमें, 2:3 में बांटना, इधर 2 लाइन इधर 3 लाइन। ये वाला पॉइंट क्या करना है, हमें फाइंड करना, माना कि ये ए है, माना कि ये बी है और ये पी है, और हमें पी के एक्स और वाई फाइंड करना।
और रेशो दे रखा है 2:3 दे रखा है। और ये 7.2 का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। अगर आपको ये वाला नहीं भी आता है, ये वाला बहुत इजी था, आप ये वाला भी कर सकते थे। फॉर्मूला क्या है अभी एक्स वाई फाइंड करने का? फॉर्मूला है m1x2 + m2x1 / m1 + m2। फिर आएगा आपके m1y2 + m2y1 / m1 + m2। वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व करो। रेशो दे रखा है 2:3, तो हमें लिखना है 2 + 3 / 2 + 3, 2 + 3 / 2 + 3, ये रेशो है। अब लेना है x2 x1, 4 and -1, 4 and -1। फिर है आपके ये माइनस का है, यहां -3 and 7, -3 and 7। सॉल्व करो, 4 2 8, -3 1 3 / 5। अब ये वाला 2 3 6 माइनस का, और 7 21 / 5, माइनस करो 5/5, माइनस करो 15/5, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। डिवाइड करो तो 1 टाइम, डिवाइड करो तो 3 टाइम, ये आ गया वो पॉइंट। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है वर्थ के परिगत, ध्यान देना भाई, एक वर्थ है, ये रहा भाई वर्थ और ये रहा इसका केंद्र। वर्थ के परिगत मतलब है वर्थ के चार और बाई तरफ, चार और देखो एक चतुर्भुज देगा, ये रहा भाई वर्थ के चार और एक चतुर्भुज है। परिगत मतलब होता है बाहर की तरफ, ये दे रखा है समान चतुर्भुज दे रखा है A B C और D, और हमें यहां पर पॉइंट लेना है P Q R और S। हमें सिद्ध करना है कि ये रोम्बस है, हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस मतलब होता है सम चतुर्भुज। देखो अगर आपने इसकी ये और ये भुजा बराबर कर दी तो ये सम चतुर्भुज हो जाएगा। पहले हमें लिखना है ये और ये बराबर, AP बराबर है ASK, बोथ आर टेंजेंट। ये और ये बराबर, BP बराबर है आपके BQ के। सर्कल के बाहर पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इक्वल होती है, तो ये आएगा CQ। देखो Q इधर है, Q इधर लिखना है और R इधर लिखना है। DR = DS, R इधर है तो R इधर लिखो। सर्कल के बाहर के पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होती है, तो ये क्या है, ये है टेंजेंट। ये क्या है भाई, टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब हो गई भाई स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। अब इधर वाला इधर ऐड करो, इधर वाला इधर ऐड करो, ऐड करते देखो ध्यान देना, AP + BP + CR + DR। इधर वाला इधर ऐड करो, S के पास S रखो, AS + DS + BQ + CQ, ऐड करो। पहले इनको ऐड करेंगे, AP + BP, AP BP ऐड करेंगे, पूरा क्या होता है AB, तो ये हो जाएगा भाई आपके AB हो जाएगा। CR + DR कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा। AS DS क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। और ये ऐड करो कितना होता है, BC हो जाएगा। अब हमें यहां पर एक लाइन लिखनी, क्या लिखोगे, देखो यहां पर लिखा हुआ है ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये इसके इक्वल, वो इसके इक्वल, यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा। और AD और CD क्या होती है, AD और BC क्या होती है, इक्वल होती है। क्या क्यों होती है, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अरे ये पैरेललोग्राम है, ये समांतर चतुर्भुज है, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1,
देखो ये दोनों बराबर है, दोनों एक ही नाम लिखो, ए बी प्लस ए बी, बोथ आर इक्वल, ये लिखा हुआ है बोथ आर इक्वल, तो ये भी ए बी, तो ये भी हो गया। अब ये दोनों भी क्या है भाई, आपके इक्वल है, इधर भी ए डी तो इधर भी ए डी। अब ये हो गया दो बार ए बी और ये हो गया दो बार ए डी, जो कटे वो काट दो। देखो ये कट गया टू टू, तो क्या आएगा ए बी इक्वल ए डी आ जाए। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। अब हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान देना ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के और ए बी बराबर है ए डी के और ए डी बराबर है बी सी के, जिसकी ऑल साइड इक्वल हो, इसका मतलब वो क्या है सम चतुर्भुज है, इसका मतलब वो क्या है रोम्बस है। हम लिख सकते हैं कि ये रोम्बस होगा। सिद्ध करना है चतुर्भुज के बाहर एक चतुर्भुज है, मतलब वर्ग के बाहर एक चतुर्भुज है, सर्कल के बाहर जो बनाया था ना अभी सेम वही वाला जो भी बनाया था ना सेम डायग्राम लेना आप, ये ले लिया चतुर्भुज लो कोई भी, ये ले लिया ऐसा, और नाम भी हमें वही लिखने है सेम, हमें यहां लिखना है ए बी सी डी और यहां पर लिखना है आपको पी क्यू आर एस और हमें लेना है इसका सेंटर, ये सेंटर हो गया। ये कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर समपूरक कोण बनते हैं, मतलब यहां पर आमने सामने की साइड से, मतलब इस साइड से जो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो इस साइड से जो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री, ये दोनों एंगल जो है ना वो कैसे है आपके 180 डिग्री, इसका सम है हमें बताना है। तो हमें क्या करना है, देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, यहां पर ये लाइन मिला देते हैं इधर, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाना है, इधर भी मिला देना है, यहां मिला दो ऐसे, और यहां पर हमें देने एंगल के नाम, ये है वन, ये है टू, ये है थ्री, ये है फोर, ये फाइव सिक्स सेवन एंड एट। हमें प्रूव करना है कि इन दोनों का सम 180 होता है। ये भी मेरे पेपर में था, मैंने पेपर जो बताया था उसके अंदर ये क्वेश्चन भी था। अब हम पहला काम ये करेंगे, हमें इन दोनों को करना है कॉन्ग्रुएंट, AOS और AOP। हमें क्या करना है कि ट्राइंगल AOS एंड ट्राइंगल AOP को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है ताकि ये और ये एंगल इक्वल हो जाए। ये साइड कॉमन है AO, हमें लिखना है AO इक्वल AO, ये हो गए भी आपके कॉमन साइड हो गई, ये और ये रेडियस SOPO, ये है भाई आपके रेडियस और ये टेंजेंट ASAP, ASAP ये है भाई टेंजेंट। तो हमारे पास नियम लग गया SSS का नियम, SSS के नियम से कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOS कॉन्ग्रुएंट है AOP के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी भाई आपके इक्वल होंगी, इसका मतलब हो जाएगा आपके कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, यहां लिख देना भाई यहां पर एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, रीजन हो जाएगा सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब जैसे हमने इसको कॉन्ग्रुएंट किया ना वैसे इनको भी करना है, वैसे इसको भी करना है फिर इसको भी करना है, तो आपको लिखना है सिमिलरली सेम, जैसे ये दोनों इक्वल, जैसे ये दोनों इक्वल है वैसे ही एंगल 2 जो है ना वो 6 के बराबर है, एंगल 3 जो है वो 7 के बराबर है, एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के बराबर। हमें ये कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमने ये किया और यहां से हमें ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे एक साथ, हमें यहां लेना है 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8,
इक्वल टू होता है आपके 360 डिग्री। अब यहां पर देखो 1 2 3 4 पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, हमें ये एंगल और ये एंगल पर ज्यादा ध्यान देना है। तो 1 2 3 4 तो रहेगा, इसको हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम रहने वाला है। अब 5 6 7 8 की जगह आएगा 1 2 3 4, तो यहां पर आने वाला है 1 2 3 and 4 और ये होता है भाई आपके 360। अब सब डबल बार हो गया भाई, एंगल 2 भी हो गया 2 बार, एंगल 2 भी हो गया 2 बार, एंगल 3 भी हो गया 2 बार, एंगल 4 भी हो गया 2 बार, इक्वल टू हो गया आपके 360। सब में 2 का भाग जा रहा है, सब में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो हमें लिखना है डिवाइडेड बाई 2। इधर बचेगा एंगल 1, इधर बचेगा एंगल 2, इधर बचेगा एंगल 3, इधर बचेगा एंगल 4, इक्वल टू इधर बचेगा आपके 180। इन दोनों को अलग ऐड कर लो, इन दोनों को अलग ऐड कर लो, 1 और 2 को ऐड करते हैं तो आता है AOB। इसके बाद ये लिख देना, और 3 और 4 को ऐड करते हैं तो आता है ये एंगल COD, इक्वल टू होता है आपके 180। हैंस प्रूफ, हमें फाइंड करना है मीडियन, फाइंड करना है मीडियन के लिए हमें करना पड़ेगा भाई CF, फाइंड करना पड़ेगा ये नंबर यहां पर, इसको ऐड कर लो 32, इसको ऐड कर लो 74, इसको ऐड कर लो 94, इसको यहां ऐड करेंगे तो होता है 100। हमें फाइंड करना है n by 2, मतलब होता है 100 by 2, 100 by 2 मतलब होता है 50th term। अब 50th term कहां पर आने वाला है, ये नंबर आएगा इन दोनों के बीच में, ये नंबर आएगा इन दोनों के बीच में आएगा ऐसे। और हमें अगर मीडियन फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है L1 प्लस एन बाई 2 माइनस का CF बटा F इंटू H। L1 आगे वाला नंबर, ये वाला जो है भाई आपके 20, N by 2 कितना दे रहा है, ये रहा 50, CF दे रखा ये वाला 32, F इसी का 42, और सब में कितना कितना गैप, सब में 10 का गैप। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान देना, पहले ये माइनस करना पड़ेगा आपको। अगर मैं यहां पर माइनस कर देता हूं तो ये आता है आपके 18/42 × 10, जो करता है वो कार्ड, इन दोनों में 6 का डिवाइड जा रहा है, इधर जा रहा है 6 का डिवाइड 3 टाइम, इधर जा रहा है आपके 6 का डिवाइड 7 टाइम। अब ये होता है आपके 20 + 30/7, ये आएगा 20 प्लस भाग करो 7 का डिवाइड जाता है पहले आपके 4 टाइम, फिर 2 बच गया तो ये जाएगा आपके कितनी बार, 2 बच गया तो 22 टाइम जाएगा, पीछे 5 भी आता है सर। इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं 24.20, ये लिखो तो भी चलेगा और 29 लिखो तो भी चलेगा, ये लिखेंगे तो भी चलेगा, ये भी चलेगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास मीन दे रखा है, माध्य दे रखा है, माध्य मतलब होता है मीन, ये दे रखा है 21.5, तो बताओ k की जगह क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें यहां पर करना है fx करना है, मीन फाइंड करेंगे, 6 5 जा 30, यहां पर होता है 60, यहां पर होता है 75, यहां होता है 35k और यहां होता है आपके 90। हमें फाइंड करना है मीन फाइंड करना है, और मीन फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है, ए नहीं लेना है, एफ एक्स से कर लो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ कर, मीन जोड़ करना पड़ेगा भाई आपको, कितना होता है देखो 90 होता है 180, 180 और 75 करेंगे तो ये होता है आपके 255, ये होता है आपके 552, ये आएगा 255 प्लस 35k, और ये वाला
सिक्स और फोर टेन और फाइव फिफ्टीन प्लस के। अब यहां पर देखो मीन हमारे पास देर का है 21.5 और इसका टोटल आया है हमारे पास 255 प्लस 35 के अपॉन हमारे पास सिग्मा एफ देर का है 15 प्लस के देर का और हमें फाइंड करना है कि के का वैल्यू क्या होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसे, अब 21.5 को मल्टीप्लाई करना रफ मैथ ही आता है आपके 322.5 ये आता है। इसको के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 21.5 के और यहां पर लिखा हुआ है 255 प्लस 35 के। अब हमें क्या करना है के एक तरफ नंबर एक तरफ, वो प्लस का है इधर भेज दो माइनस हो जाएगा और ये आपके है प्लस का, ये प्लस का है उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस उधर भेज दो माइनस हो जाएगा 322.5। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो ये आता है 13.5 और ये माइनस का ज्यादा है और इसमें से अगर मैं माइनस करता हूं 255 तो ये आता है 67.5 वो भी माइनस का। माइनस माइनस कैंसिल, अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और के का वैल्यू आएगा 67.5 और 13.5। पॉइंट को भूल जाओ, दोनों को आपस में डिवाइड करना है, 135 का भाग दे दो, इसमें इसका भाग जाता है 5 बार। के का मान कितना आने वाला 5। इससे अच्छा है कि आप ये वाला कर लो क्योंकि या तो आपको ये वाला करना है या आपको ये वाला करना है, बेटर है पहले वाला मीडियन ज्ञात कर लो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देर का है, एक समकोण त्रिभुज है मतलब एक राइट ट्राइंगल है, हमें ऐसा डायग्राम मारना है ये वाला, ये रहा राइट ट्राइंगल, इसका नाम हम ले लेते हैं एबीसी। इसने बोला इसका जो बेस है बेस से कम है हाइट, इसका बेस अगर x मानते हैं तो ये 7 कम है और ये देर का है इसका हाइपोटेनस। ये क्वेश्चन भी मेरे पेपर में था और हमें बताना है कि इसकी साइड बतानी क्या होगी। देखो ध्यान देना भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका मतलब होता है x का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h मतलब हो गया 13, p मतलब हो गया आपके x माइनस 7 और ये देर का अभी आपके x देर का है, ये होता है 169, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का होल स्क्वायर और यहां पर है अभी आपके x स्क्वायर। देखो 1x एंड 1x ये हो गया 2x स्क्वायर और ये होता है 14x, ये है आपके 7 का स्क्वायर 49, ये प्लस का है उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, ये है आपका 2x स्क्वायर, ये है आपका 14x और यहां पर जब माइनस करते हैं तो आता है 120। इन दोनों को सॉल्व करते हैं आता है 120, सब में दो का भाग जा रहा है, सब में क्या जा रहा है अभी दो का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है एक बार, इसमें जा रहा है 7 टाइम, इसमें जा रहा है 60 टाइम। ऐसा कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई करो 60 आता है घटाओ तो 7 आता है, वो है आपके 12.5 जा। यहां माइनस देखो मल्टीप्लाई करो तो ये आता है घटाओ तो ये आता है, यहां पर माइनस मतलब अलग अलग साइन, यहां पर माइनस मतलब बड़ा माइनस का छोटा प्लस का, इन दोनों में x कॉमन x माइनस 12, इन दोनों में 5 कॉमन तो x माइनस 12, x माइनस 12 आ जाएगा भाई आपके कॉमन, पीछे बच गया ये वाला x प्लस 5, दो पार्ट कर देंगे, पहले ये वाला माइनस का उधर भेज दो प्लस, प्लस का उधर भेज दो माइनस, कभी भी हाइट बेस माइनस में नहीं आता है तो ये हो गया भी आपके बेस हो गया। अब हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर ये रहा
ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हो गया x माइनस सेवन, मतलब 12 माइनस सेवन इज इक्वल टू 5, 12, 13, ये आगे साइड। दो कर्मांगत नंबर कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर जिसके वर्गों का योग इतना है तो बताना है कि वो नंबर क्या होंगे। तो यहां पर देखो ध्यान देना, दो नंबर है, यहां पर लिखते हैं लेट फर्स्ट नंबर, माना कि पहला नंबर x है, तो हमारा जो सेकंड नंबर है वो हो जाएगा आपके x प्लस वन, लगातार नंबर है, एक x तो एक x प्लस वन आएगा। अब इनके स्क्वायर का सम, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, दोनों का सम करने पर आता है 365, तो बताना है कि वो नंबर कौन से है, ये हमें बताना है। देखो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो गया, अब यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो हमें यहां पर लगाना है ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस का है अंदर भेज दो, माइनस का हो जाएगा वन एंड वन हो गया टू एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया आपके टू एक्स, और ये माइनस करेंगे आता है माइनस का 364 इज इक्वल टू जीरो। सब में दो का भाग जा रहा है, सब में दो का भाग जा रहा है, तो हमें सब में दो का भाग दे देना है। इधर दो का भाग जा रहा है एक बार, इधर दो का भाग जा रहा है एक बार, इधर दो का भाग जा रहा है 182 टाइम। ऐसा कौन सा नंबर है, मल्टीप्लाई करो तो ये आता है, माइनस करो तो ये आता है, तो वो है 14 और 13, और ये नंबर हमारे पास यहां लिखा हुआ है। अब यहां माइनस है, एक आएगा प्लस का, एक आएगा माइनस का, यहां प्लस है तो बड़ा प्लस का छोटा माइनस का, इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स, तो बचेगा एक्स प्लस 14, दोनों में 13 का डिवाइड जा रहा है, एक्स का एक्स माइनस माइनस प्लस, इसका डिवाइड में जाएगा आपके 14 टाइम इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस 14 आएगा भाई आपके कॉमन, पीछे बचा ये नंबर x माइनस 13 इक्वल टू जीरो। अब हम इसके दो पार्ट कर देते हैं, प्लस का उधर भेज दिया माइनस हो गया, और माइनस का उधर भेज दिया तो प्लस हो गया। हमारा आंसर देखो नेगेटिव वाला काम में नहीं लेना है, हमें केवल पॉजिटिव काम में लेना है, तो ये नंबर नहीं आएगा, वो नंबर हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, ये हमारा फर्स्ट नंबर है। और अगर हम सेकंड नंबर निकालते हैं तो वो है x प्लस वन, मतलब कि x प्लस वन इजिकल टू होता है आपके 14। 13 और 14 दो नंबर ऐसे हैं जिनका आप अगर स्क्वायर करते हो और सम करते हो तो ये नंबर आता है, तो हमारा आंसर होगा 13 एंड 14। हमें प्रूव करना है, सिंपल है, कोसेक का मतलब होता है 1/sin, और कॉट का मतलब होता है साइन, कॉस बाई साइन, ऊपर लगा हुआ है आपके होल स्क्वायर, और हम ये ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, साइन आ गया भाई आपके एलसीएम, ये दोनों सेम तो ये वाला भी सेम रहेगा। अब ये स्क्वायर इसका भी है और ये स्क्वायर इसका भी है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका मतलब होता है कि ये नंबर आपके होल स्क्वायर में है, और साइन का मतलब होता है 1 - cos² है, ऊपर वाला नंबर जो है ना वो सेम है आपके दो बार, यही नंबर सेम कितनी बार है आपके दो बार है, इसमें यहां पर भी स्क्वायर है और यहां पर भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है दोनों को लिखना है एक बार प्लस में और दोनों को लिखना है एक बार माइनस में, ये और ये कट गया और ये हो गया आंसर, और ये वाला क्वेश्चन मेरे पेपर में भी था ये वाला क्वेश्चन। अब हम लेते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन, हमें बताना है कि इसका वैल्यू वन आएगा, कोसे का मतलब होता है 1/sin, और यहां पर लिखा हुआ है साइन है, सेक का मतलब 1/cos, इसका मतलब होता है यहां पर कॉस का कॉस ही रहना, टेन का मतलब होता है साइन बाई कॉस, ये वाला भी मेरे पेपर में था,
ये वाला भी मेरे पेपर में था, क्वाड का मतलब होता है कॉस बाई साइन, इसको सॉल्व करेंगे तो वन आना चाहिए, सॉल्व करो देखो। पहले हम लेने वाले हैं एलसीएम, क्या आएगा साइन ए आएगा, साइन से साइन कट गया तो क्या आएगा वन, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा आपके साइन स्क्वायर ए, यहां पर है भाई आपके कॉस स्क्वायर कॉस ए, कॉस कॉस कट गया तो ऊपर क्या बचेगा आपके वन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा आपके कॉस स्क्वायर ए। अब यहां पर देखो ये आता है कॉस ए भी आएगा और साइन ए भी आएगा, जब दोनों आते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान देना भाई, वन में से साइन जाएगा तो कॉस आएगा, वन में से कॉस जाएगा तो साइन आएगा, साइन और कॉस का जो सम है वो कितना होता है वन होता है, अपॉन कॉस ए साइन ए। अब मल्टीप्लाई कर तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर तो हो गया कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इसको से मल्टीप्लाई कर। अब यहां देखो साइन भी दो बार है कॉस भी दो बार है, कॉस भी दो बार है और साइन भी दो बार है, सेम है कट गया पूरा पूरा कट जाएगा और आंसर आएगा आपके वन। हमें क्या बोला है कि आपको ए मानना है 17.5 को और आपको एज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड करना है। हम क्या करेंगे यहां पर लेंगे पहले एक्स लेंगे एक्स आई एफ आई एक्स आई, हमें लेना है सेंटर वैल्यू, इसके बीच में आता है आपके 2.5 या दोनों को ऐड करके हाफ कर दो तो ये आता है आपके 2.5 आता है जो यहां लिखना है। अब लगातार 5 का गैप है 5 ऐड करते रहो ये आएगा कितना 7.5, फिर आएगा 12.5, फिर आएगा 17.5, फिर आएगा 22.5, फिर आएगा 27.5। अब हमें लेना है डी आई, डी आई लेने के लिए हमें लेना पड़ेगा ए, ए हमें मानना है इसको, ये लिखा हुआ है इसको मानना है तो यहां पर आएगा 0। अब यहां पर गैप कितना है 5 का गैप है तो 5 होगा माइनस 5 होगा प्लस, इधर तो आपको 5 माइनस करना है 5 इधर आपको 5 क्या करना है ऐड करना है। अब हमें लेना है यहां पर एफ आई डी आई लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई 45, इसको इससे मल्टीप्लाई 70, इसको इससे मल्टीप्लाई 75, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको इससे मल्टीप्लाई 80, इसको इससे मल्टीप्लाई 75। देखो 75 से 75 चला गया, ये 80 है और ये 70 है, अभी भी 10 घट रहा है इधर, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 35 आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है मीन फाइंड करना है, फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, अपने हिसाब से आप एड लेस कर लेना। हमने किसको ए माना हुआ है 17.5 को माना हुआ है और ए हम और ये एफ आई डी आई है माइनस का 35 और ये है गैप कितना है, गैप तो नहीं लेना है, ए कितना है एफ आई कितना है एफ आई दे रहा है 17। अब देखो भाई यहां पर ये तो 17.5 है, इसमें आपस में भाग देना है डिवाइड करना है, इसमें इसका डिवाइड जाता है 1/2 हाफ, हाफ को बोलते हैं 0.5, जब दोनों को माइनस करोगे तो ये आने वाला है 17 होगा इसका आंसर। देखो आपको फाइंड करना है मोड, जो सबसे बड़ा नंबर है वही ग्रुप होगा और ये कहलाएगा आपके F1, ये कहलाएगा आपके F0, ये कहलाएगा आपके F2 कहलाएगा, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है Z फाइंड करना है और Z फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो ये है F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये है भाई आपके।
L1 मतलब होता है आगे वाला नंबर 3, F1 माइनस F0 ये दो नंबर, 8 माइनस 7, 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस F2 दे रखा आपके 2, और यहां पर गैप है आपके 2 का गैप है, 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये होता है 16 ये वाला, और ये है आपके 9, घटाओ कितना आएगा भी आपके 7 आएगा। 3 का 3 इसको सॉल्व करेंगे, 2 में डिवाइड करेंगे 7 का, तो ये जाएगा भी आपके 2 बार भाग जाएगा, पीछे बच गया 6 आपके, अब जाएगा 8 टाइम, तो हमारा आंसर आने वाला है 3.29 अप्रोक्स, ऐसा ये आने वाला है आपके मोड।